हाय एवरीवन, माय नेम इज मोहम्मद अफसर अली, प्रोपराइटर आयन मोटर्स। हमारे वर्कशॉप में हर चीज की सहूलत मिलेंगी आपको। डेंटिंग, पेंटिंग, इलेक्ट्रिकल, डोर वर्क, ये सब मिलेंगे आपको। मैकेनिकल वर्क है और टेफ्लॉन है। डोर टू डोर सर्विस भी हमारे पास, डोर असिस्टेंट भी है हमारे पास, जो कि आपके फोन करने पे आपको सर्विस देंगे आपको। और घर पे भी सर्विस करते हैं हम, जनरल सर्विस करते हैं, ब्रेक पैड चेंज करते हैं, वॉश करते हैं, और कहीं गाड़ी आपकी खराब हो गई या कुछ भी हो गया, 5 मिनट्स या 10 मिनट्स में आपको सर्विस देंगे हम। उस चीज की रीजनेबल रेट देंगे आपको। आदाब नाजरीन, मैं मोहम्मद आजम, RH9 न्यूज में आपका खैर मकदम है। कल जो सो बच्ची को जो सो काम पे जा रही थी, बच्ची को जो सो एकदम हमला कर दिया काम की जगह पे। सन्नाटा था वहाँ पे, कोई भी नहीं थे काम की जगह पे। हमारा साला उनको छोड़ दे के चले गया, बच्चों का टाइम हो रहा स्कूल के बोल के। वो गेट के अंदर घुस रहे थे तो चाकू से उसके ऊपर जो सो हमला कर दिया उन्होंने, कर दे के जो सो भाग गया। वहाँ पे वॉचमैन मारने से उन्हें भागा। वो बच्ची का थोड़ी बहुत 5 जो बच्ची भी है। मारने वाले का नाम शेख अनवर है, उसका शौहर है तलाकशुदा, खुला हो गया 2 महीने हो रहा हो के। उसको रोज का रोज धमकियां देना फोनों के ऊपर, तेरे भौने को मार देता हूँ, तेरी बहन को मार देता हूँ, तेरे भांजे को मार देता हूँ, तू मेरे से बात नहीं करी तो, तू कहीं को नहीं बात कर रही मेरे से, मेरे बच्चों को मिला तू, ये वो बोल के उसको धमकियां दे रहा था। अब इन लोगों को मार दिया ना इन्हें बोल के, क्या है, डर के बात कर रही थी उससे। बाद में उसका अंजाम देखो, कल ऐसा हुआ। अगर से परसों के दिन जो औरतें गए थे कंप्लेंट देने के वास्ते, जब भी एक्शन लेते तो बेचारी जिंदा रहती थी, आज हम लोगों के बीच में रहती थी उन्हें। अब मरने में गिनती है उसकी, 24 घंटे का टाइम दिए डॉक्टर उस्मानिया से लेके गए उसको, निम्स में भिजा दिया उस्मानिया में। निम्स में जो आखिरी सांस पे गिन रही उन्हें। पुलिस अगर से एक्शन सही टाइम पे लेती तो आज ये नौबत नहीं आती थी। हबीब नगर PS में ये औरतें जाके कंप्लेंट दिया हमारे, तो दूसरे दिन जो सो आओ अम्मा सुबह के टाइम पे आओ पकड़ के लाते उसको बोल के बोले, लेकिन नहीं लेके आए टाइम पे। अगर से उसको ला लेते तो ये दिन देखना नहीं पड़ता था बच्ची को, छोटे छोटे बच्चे हैं बच्ची के। तो नाजरीन इजाजत दीजिए और बने रहिए हम सब की आवाज RH9 न्यूज के साथ। चैनल को लाइक कीजिए, जितना हो सका ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। खुदा हाफिज़।